भरूच जिलाना नेत्रंग तालुका में चासवड गामे कार्यरत चासवड डेरी आदिवासी विस्तार में वसवाट करता रहीशोनी जीवादोरी गणवामां आवती होय छे त्यारे गरीब परिवार पशुपालकोनो उच्छेर मावजत करीने चासवड डेरी में दूध भरे छे जेमांथी मळती आवकमांथी तेओ पोतानुं गुजरान चलावे छे। आ वर्षे चासवड डेरीनी व्यवस्थापक समितिनी चूंटणी योजाई जेमां आदिवासी समाज समर्पण एकता पेनलो विजय थयो जेथी सत्तानुं सुकान चासवड डेरीना इतिहासमां सौ प्रथम वार आदिवासीओने मळ्युं। पोताना चूंटणी ढंढेरामां चासवड डेरीना तमाम सभासदोने दिवाळीए प्रोत्साहन रूपे गिफ्ट आपवानुं वचन पण आपवामां आव्युं हतुं। चासवड डेरीना तमाम सभासदोने अने एजंटोने दूधनी बरणी जेवा गिफ्टनुं वितरण करवामां आव्युं। ज्यारे विजेता बनेला पेनलना कन्विनर रहेला संजय भगते जणाव्युं हतुं के दर महीने दूध उत्पादकोने पगारनी चुकवणी थाय एक साथे पगार चूकवातो होवाथी बेंकमां लांबी लाइन थाय छे जेथी भारे हालाकी वेठवी पड़े छे जेना निराकरण माटे भरूच डिस्ट्रिक्ट कोओपरेटिव बेंकनी शाखा चासवड खाते शुरू करवा रजूआत करवामां आवी छे। ज्यारे चासवड डेरीना प्रमुख कविभाई वसावाए जणाव्युं हतुं के सभासदो जे दूध भरे छे ते बगड़ी जवाथी नुकसान थवानी फरियाद आवती हती जे प्लांट विभाग में 20,000 लीटरनी क्षमतावाळुं चिलर प्लांट फिट करवामां आव्युं छे। जे दरमियान संजयभाई भगत चासवड डेरीना चेरमेन कविभाई वसावा वाइस चेरमेन अरविंदभाई वसावा मनहरभाई पटेल चासवड सरपंच मनसुखभाई वसावा अने डिरेक्टर पण जोड़ाया हता। पहला तो भाई श्री संजयभाई जी बात करी ए तमाम साथे मारु 100% नु समर्थन अने हमने जे बात करी ए विषय विशेष कई कहेवू नथी पर संजयभाई एक वस्तु जरा भूली गया के अमने जरा मेमरी लावो कि आपणे त्यां लाइट बिल में 2 કલાકનો फर्क पड़ी गयो छे मोटर ऊँची चलावी पड़े छे काका आपणने सुमूले सस्ता भावे आपणने 20,000 લીટરનું ચિલર આપ્યું છે અને એ તકે હું મનસિંહભાઈનો પણ આભારી છું અને સમૂહના ડિરેક્ટરનો પણ અને અમારા બોર્ડના પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ અને તમામ બોર્ડના સભ્યોનો ખૂબ આભારી છું। એમણે મેં આપેલું વચન કે અમે આપેલું વચન એમણે પૂર્ણ કર્યું અને હું ઈચ્છું છું કે સતત આવી રીતે વર્કોહોલિક થઈને કામ કરતા રહે અને સમાજના ભલા માટે જ કરે કંઈ પણ સહકારની જરૂર પડે તો અમે કાયમ માટે ઊભા છીએ। ઇકરામ શેખ, D9 ન્યૂઝ, નેત્રંગ। અમારી D9 ન્યૂઝ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, ક્લિક કરો, બે આઇકન કરો અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ।